आपका क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स बाई टेन प्लस वाई बाई फाइव माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स बाई एट प्लस वाई बाई सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन. हैंस फाइंड लैम्ब्रा इफ वाई इज इक्वल टू लैम्ब्रा एक्स प्लस वन. तो आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, दोनों कैसे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में. इसको एक तो हम लेकर आएंगे जनरल फॉर्म में. कैसे लेकर आएंगे, बाई टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम लेके तो देखो यहां पर क्या है, 10 एंड 5 है डिनोमिनेटर में, उसका एलसीएम क्या होता है 10, है ना. तो 10 इज द एलसीएम. तो क्या आ जाएगा, 10 10 में कितना टाइम जा रहा है, 1 टाइम्स. तो 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 10 5 में कितना टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स. तो 2 इंटू वाई इज 2 वाई माइनस, अब देखो यहां पर लिखा है माइनस वन, उसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में भी वन है. तो टेन वन में कितने टाइम जा रहा है, टेन टाइम्स. तो टेन इंटू वन इज टेन, तो यहां पर आ जाएगा आपका टेन दैट इज इक्वल टू जीरो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टेन इंटू जीरो इज जीरो, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन दैट इज इक्वल टू जीरो. टेन को राइट साइड में लेकर जाना है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. लाइकवाइज आपको इसको भी करना है. एट और सिक्स का एलसीएम हमारा क्या होता है, 24. ठीक है, तो एलसीएम इज 24. तो 24 8 में कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम्स. तो 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 24 6 में कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स. तो 4 इंटू वाई इज 4y That is equal to 15. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 एंड 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 15, तो ये आपका कितना होगा, 5 फोर द 20 टू कैरी 10 प्लस 2 इज 12, 4 एंड 2 कितना हो गया, 360. तो आपका इक्वेशन आ गया 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 360. ये इक्वेशन में देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो अभी हम एलिमिनेट करेंगे x को, तो इसका मतलब है इसको 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 2 इज 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज 30. तो देखो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए. अब क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है, एक प्लस में एक माइनस में. तो हम यहां पर करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो जो प्लस होगा उसको प्लस रख, माइनस करेंगे जो माइनस है उसको प्लस करेंगे. तो यहां पर प्लस है माइनस साइन, यहां प्लस है माइनस साइन, यहां भी प्लस है माइनस है. सॉल्व करो, 3x माइनस 3x गेट कैंसल, 4y माइनस 6y माइनस 2y, 360 माइनस 30 इज 330. तो देखो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 330 बाई माइनस 2. इसको रिड्यूस कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस
यहां पर आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1 टाइम्स 13, दैट मीन 6 टाइम्स 110, दैट मीन्स 5। तो y की वैल्यू इज 165। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू वी विल पुट हियर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, तो 2 इंटू माइनस 160 इज माइनस 330, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 330, दैट इज इक्वल टू 10। तो क्या हो गया x माइनस 330 इज इक्वल टू 10, 330 को राइट पर लेकर जाएंगे इट विल बिकम प्लस, तो अब आपका आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 10 प्लस 330, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 340, तो x इज 340, y इज माइनस 165। अब इसने आगे बोला है फाइंड लैम्डा, तो यहां पर आपको वैल्यू डालनी है y की यहां पर x की यहां पर, तो देखो y कितना है हमारा माइनस 165 इज इक्वल टू लैम्डा, x इज 340 प्लस 5, ठीक है, तो 5 को कांस्टेंट है इस साइड में लेकर जाएंगे, देखो कांस्टेंट के पास में, तो 5 का क्या हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस 165 माइनस 5 इज माइनस 170, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 170, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 340, तो लैम्डा हमारा कितना हो गया माइनस 170 बाई 340, इसको रिड्यूस करो 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।